मैं पिछली बार बाय इलेक्शन लड़ा था, आप जानते हैं, थोड़े मार्जिन से रह गया और ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार इनको हरा के भेजेंगे समाजवादी पार्टी। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और ये हारेंगे। सुना आपने, बसपा नेता गुड्डू जमाली का खुला चैलेंज, वो भी किसी और को नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली काफी जोश में दिख रहे हैं। जोश ऐसा कि सीधी खुली चुनौती दे दी अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी को। पूर्व विधायक एवं बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सपा खेमे से उनके परिवार का कोई भी चुनाव लड़े, इस बार सपा को हरा के ही मानूंगा। गुड्डू जमाली ने कहा कि सपा हमेशा इस बात का दावा करती है कि आजमगढ़ उनका गढ़ है, लेकिन पिछली बार मैंने उपचुनाव लड़ा था और 22 दिन का कम समय मिला था, थोड़े अंतर से मैं जीत नहीं पाया था, मगर इस बार जी जान लगा के लड़ूंगा। वहीं बीएसपी नेता ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती पूरे जोश के साथ पार्टी संगठन को इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। मैं पिछली बार बाय इलेक्शन लड़ा था, आप जानते हैं, ठीक है, 22 दिन का वक्त मिला था और थोड़े मार्जिन से रह गया और ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार इनको हरा के भेजेंगे समाजवादी पार्टी। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और ये हारेंगे। ये आजमगढ़ की पॉलिटिक्स तो आप भी समझते हैं और वहाँ से बीएसपी पूरी मजबूती के साथ अपना चुनाव आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में लड़ेगी और मानिया बहन जी रात दिन इस पे काम कर रहे हैं। समीप हमारे पार्टी के सभी संगठन के साथी रात दिन इस पे लगे हुए हैं, हम लोग खुद भी मेहनत कर रहे हैं और आप देखिएगा कि नतीजे अच्छे रहेंगे। देखिए, अब ये तो सही बात यह कि इसके लिए मैं बहुत कॉम्पिटेंट अपने को नहीं समझता कि इस पर टिप्पणी करूँ, ये मानिया बहन जी के फैसले होते हैं। अब चूंकि चुनाव करीब है तो ये सब चीज़ें हो रही हैं कि गठबंधन हो, ऐसा हो, दिस एंड दैट, इधर मैं था भी नहीं। अब मानिया बहन जी से मुलाकात होगी तो इस पर चर्चा करी जाएगी कि उनका क्या वो है। बता दें कि 2022 में आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा नेता गुड्डू जमाली भी मैदान में थे, मगर रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगह हुए उपचुनाव में बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों की ही हार हुई थी। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ जीते थे, उन्हें करीब 3,12,768 वोट मिले। वहीं सपा के उम्मीदवार अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले। निरहुआ की जीत का ये मार्जिन करीब 8,600 वोटों का था। इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली, जिन्हें 2,66,210 के आसपास वोट मिले थे, मगर अब एक बार फिर से 2024 को लेकर गुड्डू जमाली के हौसले बुलंद हैं। एनबीटी ऑनलाइन के लिए अमन गुप्ता की रिपोर्ट। मैं पिछली बार बाय इलेक्शन लड़ा था, आप जानते हैं, थोड़े मार्जिन से रह गया और ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार इनको हरा के भेजेंगे समाजवादी पार्टी। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और ये हारेंगे।